आज मैं बनाने जा रहा हूँ रोटी, आप लोग शौक हो जाओगे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कैसे बिना बेलन के भी बना सकता हूँ रोटी। अच्छा, हमको सिखा रिया है, आइए देख। चलो चलो चलो। और आज है संडे, अभी लगभग बज गए हैं 9:30। और कल रात से दूध को गर्म करके रखा था, अभी मैं कॉफ़ी थोड़ा बनाऊंगा मेरे लिए और मेरे फ्रेंड के लिए भी। तो मैं किचन भी जाता हूँ और बनाता हूँ कॉफ़ी। और अभी मैं आ गया हूँ किचन पे, और दूध को रखने के लिए कोई जगह नहीं है इसीलिए मैं मग पे डाल रहा हूँ बाकी का दूध। इतना दूध काफ़ी होगा 2 लोगों के लिए। और ये ऑटोमेटिक वाला है गैस, जल जा चल। Finally, I do this. और अभी मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी पाउडर लेने, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर ख़त्म हो गया है। और ये डस्टबिन को भी मैं बाहर रख लूँगा ताकि कचरा वाला आने से वो ले जाए कचरा। और अभी मैं लेके आ गया हूँ कॉफ़ी पाउडर, तो चलिए बनाते हैं कॉफ़ी। जब तक कॉफ़ी बन रहा है तब तक मैं आप सब लोगों को अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कॉफ़ी बनाता हूँ। अच्छा। बट एक बार क्या हुआ था कि मैं दूध में ज़्यादा चीनी डाल दिया था और अमूल भी ठीक क्वांटिटी में डाला था, बट दूध को मैंने ज़्यादा गाढ़ा कर लिया था तो कॉफ़ी ज़्यादा मीठा हो गया। मैं चाहता तो उसे ठीक कर सकता था और थोड़ा मिल्क ऐड करके, बट अच्छा कॉफ़ी बनाना भी अच्छी बात नहीं है। मगर क्यों? फिर रोज रोज बनाते रहो, कौन रिस्क लेगा इतना झंझट का। और अभी मैं ऐड करूंगा मलाई, जो कि मैंने दूध से निकाल के पहले से ही रख दिया था। और अभी मैं सर्व कर रहा हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने के बाद मुझे थोड़ा भूख लगा था तो मैं खाता हूँ एक आरिसा पीठा। और फिर से भूख लगने पर मैं बनाने जाता हूँ मैगी। पहले मैं मैगी को बॉयल करके साइड में रख देता हूँ, उसके बाद मैं पैन में थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर देता हूँ। और इधर मैं पहले से ही कट करके रखा था कुछ सब्जी को, जैसे कि टमाटर, अदरक, लहसुन और मिर्ची। और अभी मैं डालूंगा इसको पैन पे, फिर हल्का हल्का भुनने के बाद ऐड करूंगा मैं मैगी का जान, मैगी मसाला। अगर ये मसाला ऐड नहीं किया तो मज़ा ही नहीं है मैगी में। फिर उसके बाद ऐड करूंगा मैं थोड़ा वाटर। फिर उसके बाद कुछ मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला ऐड करके सबको मिला दूंगा अच्छे से। फिर मैं डालूंगा मैगी जो मैंने उबाल के रखा था, और मैगी को मैं मसाले के साथ मिक्स करूंगा अच्छे से। अभी मैगी बिल्कुल रेडी हो गया है, अभी मैं टेस्ट करूंगा मैगी को। नाइस। उसके बाद हम पकाएंगे चावल, और चावल धोने के लिए जो प्लास्टिक का मग जैसा कुछ है उसमें चावल धोने में बहुत आसान होता है। और चावल धो के मैंने डाल दिया है पानी के अंदर। और चावल के साथ कुछ खाने के लिए हमने सब्जी बनाया आलू का। हमने आलू को वो जो पिलर आता है आलू को, ऐसे पतले साइज में कट करने वाले हैं, उस मशीन से हमने आलू का कुछ ऐसा ही स्लाइस कर दिया। और अभी हम बनाएंगे आलू भजा। और आलू भजा के मसाले बनाने के लिए मैंने लिया कुछ अदरक, लहसुन और रेड चिली पाउडर, जीरा धनिया पाउडर और थोड़ा गरम मसाला। फिर आलू को अच्छे से धो के मैं उसमें डालूंगा बटा हुआ मसाला। उसके बाद पैन में आलू को फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है। पहले आलू को एक साइड से पका लेंगे, उसके बाद दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। और अभी मैं बैठ गया हूँ लंच करने के लिए। और एक बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, मैंने बिना दाल के चावल पहली बार ही खाया है मेरे लाइफ में, बट ये इतना बुरा भी नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। क्या बोला तूने? मैंने सुबह थोड़ा दूध बचा के रखा था बट वो दूध फट गया था, तो मैं फटा हुआ दूध से एक आइटम बनाने जा रहा हूँ जो कि शायद आप सबको पता होगा, हमारे लैंग्वेज में उसे बोलते हैं खिरसा। अभी खिरसा बन के रेडी हो गया है, और खिरसा का टेस्ट बिल्कुल रबड़ी के जैसा होता है, गाढ़ी रबड़ी जैसे। आप लोग कभी ट्राई करना और मुझको बताना। और अभी रात हो गया है तो हम लोग डिनर में खाएंगे पराठा, वो भी मेरे स्टाइल में बनाए हुए। पहले मैं लूँगा आटा को एक थाली में, आटा को बिल्कुल सॉफ्ट गूंदना है और उसका गोला बना लेना है,
और मेरे पास इसको बेलने के लिए बेलन नहीं है, तो मेरा जुगाड़ देखो, उसके ऊपर मैं इस सॉल्ट स्प्रिंकल के डब्बे को बनाऊंगा बेलन। अभी ट्राई करके देखते हैं क्या मैं इस चीज से बेल पाऊंगा रोटी को। आपको क्या लगता है, मैं बेल पाऊंगा? तो चलिए ट्राई करते हैं एक गोले को बेलने की। शायद थोड़ा चपटा हो रहा है, बट मैं अभी ठीक करके देता हूँ। पूरा तो गोल नहीं हुआ, बट जितना हुआ है बहुत है। और अभी पराठा बनाने के लिए मैं उसके बीच में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल का यूज़ करूँगा और उसको बीच से दो फोल्ड करूँगा और फिर साइड से फिर से दो फोल्ड करूँगा। फिर मैं उसको स्क्वायर सब में बेलने के ट्राई करूँगा। एक साइड से तो हो गया है, फिर दूसरे साइड से भी देखते हैं साइज या शेप में आ रहा है। और यही है फाइनल रिजल्ट। मैं इस रोटी को शेप में बेल पाया हूँ कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताएं। और अभी मैं बना रहा हूँ पराठा, और कौन कौन खाना चाहता है मुझे कमेंट करके बताएं। और मैं कैसा कुक करता हूँ ये भी कमेंट में बता दीजिए। और अभी बन रहा है आलू पोटल भजा, और इसको मेरे दोस्त ने बनाया है, मैं सिर्फ चम्मच को हिला रहा हूँ। और डिनर में हमने पराठा और आलू पोटल भजा खा के सो गए। अगर आपको मेरा ब्लॉग्स पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरे हर एक न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंचे।